दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल मोनूशा मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीरी टेबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी टेबलेट है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है हम पूरी जानकारी बातें करके देंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी ये टेबलेट किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम कोई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। आइए बात करते हैं नीरी टेबलेट के बारे में। दोस्तों नीरी टेबलेट एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मूत्रमार्ग इन्फेक्शन और गुर्दे की पथरी में यूज किया जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए, ये एक पत्ते में 30 टेबलेट आती है और इसका प्राइस होता है लगभग 155 रुपये और इसे कंपनी बनाती है एमिल की, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं इसको यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। जिन लोगों के गुर्दों में पथरी हो, गुर्दे की पथरी में ये चलता है। पेशाब के रास्ते में किसी तरीके का संक्रमण हो उसमें चलता है। पेशाब में जलन हो उसमें चलता है। पेशाब करने में दर्द हो उसमें चलता है। पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम हो उसमें चलता है। चलिए आइए मैं बताता हूँ इसको यूज करने का सही तरीका, यानी इसका डोज। दोस्तों सुबह शाम एक गोली लेना होता है खाना खाने के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और पेशाब जब तेज आए तभी जाना है। ये इसका ट्रिप जो है ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये इसी तरीके से पथरी निकाली जा सकती है। हमेशा पेशाब जो है बैठ कर करना है, बैठ के करने से डायरेक्ट निकल जाता है। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ ये किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ये यूज नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिला हो वो भी इसका यूज नहीं करेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो उन्हें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें यह कारगर नहीं है। आइए दोस्तों इसके फायदे बताते हैं। दोस्तों जिन लोगों के गुर्दे की पथरी है वो आपकी पथरी खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी टूट टूट के। और जिन लोगों के पेशाब के रास्ते में संक्रमण होता है उनका वो संक्रमण खत्म हो जाएगा। पेशाब करने में जिन लोगों को जलन या दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं बता दूं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने तो आज तक कोई साइड इफेक्ट देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको इसको खाने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस टेबलेट को बंद कर दें। और हाँ दोस्तों, कोई भी दवा यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें फिर इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज ना करें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।